साथियों, कर्नाटका के बेंगलोर में हिजाब विवाद के बाद बहुत से लोग या तो कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहती हूँ, पहला, क्या स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि सबके लिए एक जैसी यूनिफॉर्म? बिल्कुल स्कूलों के अंदर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब आपने स्कूल पार कर लिया, आप 18 के प्लस हो गए और आप महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अधिकतर तो नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ी हूं, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है स्कूल के बाद कॉलेज में, और लोग अपनी मर्जी से, लड़की हो या लड़का हो, जिसको जो पहनना है वो पहनकर आता है। लड़कियों को जीन्स पहननी है, साड़ी पहननी है, सूट सलवार स्कर्ट क्या पहनना है, ये उनकी आजादी है और ये आजादी संविधान ने उनको दी हुई है। और कॉलेज में ऐसा कोई नियम भी नहीं है, स्कूल में था तो उसको माना हम लोगों ने नियम को। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बेंगलोर में कॉलेज में हिजाब पहनकर लड़कियां आ रही थी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था, क्योंकि हम वो लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग हिजाब का विरोध कर रहे थे और मेरे जैसे लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम उन बेटियों ने जो वस्त्र पहने, अपनी मर्जी से पहने हुए हैं या नहीं, बिल्कुल पहने हुए, वो वैसे ही पहन के कॉलेज स्कूल जाना चाहती हैं या नहीं, हाँ जाना चाह रही हैं। अगर उनके साथ जबरन किया जा रहा है तो वो खुद भी विरोध करेंगी, करना भी चाहिए। कोई घूंघट पहने ना पहने, ये महिला की आजादी होनी चाहिए। घूंघट पहन रही है, मर्जी से पहन रही है, कोई दिक्कत नहीं। हिजाब मर्जी से पहन रही, कोई दिक्कत नहीं। अगर घूंघट और हिजाब जबरन पहनाया जा रहा है, इसका मैं भी विरोध करती हूँ, उन्हें भी करना चाहिए विरोध, क्योंकि यह हमारा अधिकार आजादी पहनने की संविधान ने दी हुई है। इसमें विवाद है का? अगर प्रियंका गांधी जी ने कह दिया कि कोई अगर बिकनी पहनना चाहे, लड़की कोई स्कर्ट पहने, सूट पहने, साड़ी पहने, जींस पहने, ये उसकी आजादी, इसमें कहां प्रियंका जी ने कुछ गलत कह दिया? लेकिन उसको भी ऐसे दिखाया जा रहा है कि प्रियंका जी ने कहा कि स्कूल में बिकनी पहन के जाने की बात कर रही है प्रियंका जी। तो मुझे लगता है इतना आसानी से ये सोच रहे मुद्दे से भटका देंगे, अपने शब्दों को, अपनी सोच को किसी के मुंह में डालकर कहेंगे ये उनकी है, तो ये होगा नहीं।